सितंबर 1962 वो दिन था जब आशंका बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। इस बात को अब जब 58 साल बीत चुके हैं तो अब मांग उठने लगी है कि तब से लेकर अब तक चीन ने भारत की सीमा पर कितना कब्जा किया है उसका आकलन किया जाए। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद ने सदन में मांग की कि चीन की सेना ने अब तक राज्य में कितनी जमीन हड़पी है उसका आकलन किया जाए। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में इसके लिए एक समिति गठित करने की मांग की। तापिर गाव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, वहां मैकमोहन लाइन है। 1914 में अंग्रेज हेनरी मैकमोहन और दलाई लामा के प्रतिनिधि ने शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उस वक्त वहाँ चीन नहीं था। निर्धारित समय खत्म हो जाने की वजह से तापर का माइक बंद करवा दिया गया। थोड़ी देर बाद उनका माइक फिर से ऑन हुआ। अब तापर गांव की मांग पर समिति का गठन होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जरूरी है ये आकलन किया जाना, क्योंकि वैसे ही 58 साल में सीमा पर जमीन आसमान का अंतर आ गया है और फिर चीन की मनोस्थिति ऐसी है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साल 1962 में युद्ध के दौरान भारतीय सेना में नायक पद पर तैनात रहे कर्नल रिटायर्ड भरत सिंह का कहना है कि सही मायने में साल 1962 में युद्ध हुआ ही नहीं था। युद्ध वो होता है जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने हो, युद्ध के लिए तैयार हो। भारतीय सेना तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी। अचानक से चीनी सेना भारतीय सेना के सामने आ गई थी, तब भी सेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया था और उसके बाद तो अब भारत साल 1962 वाला भारत रहा भी नहीं। अब साल 2020 में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति बैठा है जो चीन को हर तरीके से मात देना जानता है। चीन की मंशा भारत से सटे हिमालय के क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने की है। यही वजह थी कि चीन ने साल 1962 में भारत पर हमला किया था। चीन ने चालाकी ये की कि जिस जगह पर भारतीय सेना मोर्चे पर थी हमला वहां नहीं किया था, बल्कि उन्हें बाईपास किया था। इस वजह से भारतीय सेना का आपस में ही कई जगहों पर संपर्क टूट गया था। उसके बाद से लगातार सीमा पर तनाव है ही। मई महीने से चीन लगातार भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिशों में लगा है। 15 जून को गलवान घाटी में चीन ने वही किया था जो वो हमेशा करता है, धोखा दिया था भारतीय सेना को, सेना पर हमला किया था जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। नुकसान चीन का भी हुआ था लेकिन चीन ने कबूला नहीं था। तभी से चीन की भारत के खिलाफ गतिविधियां तेज हैं। इसलिए बीजेपी सांसद चाहते हैं कि आकलन किया जाए कि चीन ने भारत की कितनी सीमा को कब्जा लिया है, जिसके बाद फिर उस हिसाब से चीन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जाए। आप बीजेपी सांसद की मांग से कितना सहमत हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।